Assalamu alaikum children, how are you all? I hope everyone is fine. So look here children, इससे पहले वाली वीडियो में हमने फूलों के बारे में, फूलों के नाम हमने पढ़े थे. अब उसके बाद है यहाँ पर फल. फल यानी फ्रूट्स. अब हम फल के नाम पढ़ेंगे, ठीक है. अब यहाँ देखिए, ये कौन सा चित्र है? ये है सेब. सेब ये कौन सा फल है? सेब. सेब को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एप्पल. उसके बाद देखिए यहाँ पर, ये कौन सा फल है? आम. आम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंगो. ये कौन सा फल है? फल यानी फ्रूट. आम, मैंगो. अब इसके बाद देखिए यहाँ पर है तरबूज. तरबूज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? वाटरमेलन. ये है तरबूज. हिंदी में हम तरबूज कहते हैं. इसके बाद देखिए यहाँ पर, ये कौन सा फल है? अनानास. कौन सा फल है ये? अनानास. अनानास को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पाइनएप्पल. ओके. अब यहाँ देखिए, ये है अंगूर. कौन सा फल है ये? अंगूर. अंगूर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेप्स. और अंगूर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं ना, ब्लैक होते हैं, पर्पल होते हैं. अब यहाँ पर आपकी बुक में कौन सा कलर है? ग्रीन कलर के अंगूर हैं. ओके. अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, ये है पपीता. पपीता यानी पपया. पपीता. इसके बाद देखिए केला. केला बनाना. केले को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बनाना. अब इसके बाद देखते हैं कौन सा फल है? संतरा. संतरा यानी ऑरेंज. कौन सा फल है ये? ऑरेंज. ऑरेंज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संतरा. चलिए एक बार फिर से हम रीड करेंगे. ये है फल. फल यानी फ्रूट. सेब, आम, तरबूज, अनानास, अंगूर, पपीता, केला, संतरा. फिर से एक बार रीड करेंगे हम. सेब, आम, तरबूज, अनानास, अंगूर, पपीता, केला, संतरा. तो ये हमने फलों के नेम्स पढ़े हैं. ओके, थैंक यू.